नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे जियो प्लेटफॉर्म में और एक नया इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में भी कुछ एक आध बातें हैं जो कि मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो मैं हूं आपका दोस्त अतनु, आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पिछले 11 हफ्तों से रिलायंस इंडस्ट्रीज की जियो प्लेटफॉर्म में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आए हैं और इसी कड़ी में लेटेस्ट जो इन्वेस्टमेंट की बात यहां पर निकल कर आया है, इसमें कहा गया है कि इंटेल के द्वारा रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में 0.39% की स्टेक खरीदा जाएगा और इसके लिए इंटेल के द्वारा इन्वेस्ट किया जाएगा 1894.50 करोड़ रुपीज। और इंटेल का इन्वेस्टमेंट अगर हम मिला लेते हैं तो टोटल में 12 कंपनी के द्वारा रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट किया गया है और टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहां पर निकल कर आते हैं 1,17,588.45 करोड़ रुपीज। ये अमाउंट और इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा ओपन इशू के तहत करीबन 50,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का फंड जुटाया गया है और टोटल में ये फंड एक ह्यूमंगस अमाउंट होते हैं और इस फंड के द्वारा रिलायंस अपना जो डेट है उसको पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करेगा। ऐसा ही कुछ कहना था रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी का द्वारा और ये भी कहा गया था पिछले AGM में, जिसमें कहा गया था कि अगले आने वाले 18 महीने के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज अपना जितना सारा डेट है उसको पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे और उसी कड़ी में ये काम किया गया है। हालांकि 18 महीना होने में अभी भी बहुत सारे टाइम बाकी हैं, लेकिन इसी के चलते हुए ऑलरेडी रिलायंस ने अपना जो वायदा किया गया था AGM में उसको कम्प्लीट कर दिया है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर निकल कर आता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये 12 कंपनी के द्वारा रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में 25.09% की टोटल स्टेक खरीदा गया है। यूं कह लीजिए कि रिलायंस इंडस्ट्री ने 25.09% की स्टेक बेचा है 12 अलग अलग कंपनी को और इसके जरिए रिलायंस इंडस्ट्रीज फंड जुटाया है। दोस्तों यहाँ तक तो बात आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज फंड कैसे कैसे जुटाए हैं। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज का अलग अलग कंपनी के साथ हुआ डील के बारे में ऑलरेडी वीडियो मेरी इस चैनल पर हैं, आप चाहें तो वो जाकर देख सकते हैं। अब बात करेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज आगे क्या सोच रहा है, तो इसी के बारे में चलिए जान लेते हैं। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज 3 सेक्टरों में सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं अगले आने वाले समय में। पहला जो कि ऑलरेडी रिलायंस इंडस्ट्रीज का कोर बिजनेस है, जिसको हम लोग पेट्रोकेमिकल के नाम से जानते हैं, जो कि आज के दिन में बहुत ही खराब हालत में चल रहा है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ ही ये प्रॉब्लम है, ये आज के दिन में हर एक कंपनी के साथ जो भी पेट्रोकेमिकल से जुड़े हुए हैं उन सभी के साथ इस तरीके की प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि आज के दिन में क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा है और यूँ कह लीजिए कि ये प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम होते होते बहुत ही निचले स्तरों पर आ गया है और इसी के चलते हुए जितने सारे रिफाइनरी कंपनी है उन लोगों की प्रॉफिट मार्जिन पर भी बहुत ही ज़्यादा डेंट पड़ रहा है। और कब तक क्रूड के प्राइस बढ़ेगा और उनसे मिलने वाले रिफाइनरी के भी प्रॉफिट बढ़ेगा, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल आज के दिन में हो गया है, स्पेशली ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए। और जितने सारे डिमांड हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट की उसमें भी बहुत ही ज़्यादा कमी आज के दिन में दर्ज किया गया है। तो यही चीज़ बहुत ही पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा एंटिसिपेट कर लिया गया था और इसी चीज़ को देखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा दूसरे अलग अलग सेक्टरों में अपना फोकस डाइवर्ट करना चालू कर दिए थे। और जिसके रिलेटेड आप लोगों को पता है कि 2 सेक्टरों में सबसे ज़्यादा या फिर प्राइम फोकस रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा किया गया था, पहला डिजिटल सेक्टर में और दूसरा रिटेल सेक्टर में। अब बात करते हैं डिजिटल सेक्टर की। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 3 से 3.5 साल पहले इंडिया में डिजिटल क्रांति लाया है, ये आपको मानना ही पड़ेगा।
क्योंकि जिस दिन से इंडिया में जियो चालू हुआ है, मतलब जियो मोबाइल जिस दिन से इंडिया में लॉन्च हुए हैं, या फिर जियो मोबाइल जिस दिन से इंडिया में आया है, उसी दिन से इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कम रेट पर डेटा आपको और हमको मिलने लगा है, और उसी दिन से डेटा क्रांति भी हम लोग कह सकते हैं जो कि इंडिया में चालू हुआ है। क्योंकि किसी एक ज़माने में 1GB 3G डेटा का दाम 250-300 रुपये हम लोगों को लगता था, और वो ही आज के दिन में 4G डेटा, वो भी हर 1GB के लिए 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये, इससे ज़्यादा तो आज के दिन में नहीं लग रहा है। और ये केवल संभव हुआ है रिलायंस जियो के आने के बाद, वरना जितने सारे एग्जिस्टिंग प्लेयर थे रिलायंस जियो को छोड़ के, उन सभी के द्वारा बहुत ही हाइपर प्राइस रखा जा रहा था, और आज के दिन में कंपटीशन में उन सारे कंपनी को कम प्राइस में डेटा देना पड़ रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ जियो के बदौलत ही आपको और हमको मिल रहा है। तो दोस्तों, आज के दिन में जियो के, मतलब जियो मोबाइल के जो सब्सक्राइबर है वो करीबन 400 मिलियन हो गए हैं इंडिया में, और ये उम्मीद किया जा रहा है कि 2025 आते आते 600 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस हो जाएगा रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में। ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है, और अगर इसी तरीके से ग्रोथ मिला रिलायंस जियो को, तो बहुत ही जल्द रिलायंस जियो इंडिया में सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर बन जाएगा, ये भी एक रिपोर्ट में पब्लिश हुआ है। अब दोस्तों, बात करते हैं डिजिटल से ही जुड़े हुए दूसरे प्रोडक्ट के बारे में, जहां पर मैं बात करूंगा फिक्स्ड ब्रॉडबैंड लाइन की। दोस्तों, जियो फाइबर आने से पहले इंडिया में ब्रॉडबैंड लाइन के बहुत ही ज़्यादा किल्लत था, या फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम था। आपको और हमको सबसे अवेलेबल या फिर सबसे आसानी से मिलने वाला जो ब्रॉडबैंड लाइन था, या फिर फिक्स्ड इंटरनेट लाइन था, वो था BSNL का, और कुछ एक आध इलाका था जहां पर प्राइवेट ऑपरेटर और कुछ एक आध टेलीकॉम ऑपरेटर अपना सर्विस प्रोवाइड करते थे, लेकिन ज़्यादातर बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही अपना सर्विस देते थे। लेकिन जब से जियो के द्वारा जियो फाइबर लॉन्च किया गया है, उस दिन से इंडिया में ऑलमोस्ट जितने भी ABCD कैटेगरीज़ के टाउन है, उन सभी में अपना जियो फाइबर के कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जो कि हाई स्पीड इंटरनेट के लिए एक बहुत ही अच्छा टूल हम लोग कह सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं कि जियो अपना जियो फाइबर के द्वारा ही फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड दे रहा है, इसके अलावा भी जियो ने और दो कंपनी को एक्वायर कर लिया है, जिसमें से एक है हैथवे केबल और दूसरा है डेन नेटवर्क। और दोस्तों, जियो ने इन तीनों कंपनी, मतलब हैथवे केबल, डेन नेटवर्क और जियो फाइबर, इन तीनों के द्वारा 70 मिलियन हाउस होल्ड में अपना फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड देने की कोशिश कर रहा है, और ये टारगेट लिया जा चुका है अगले 2 सालों में ये काम किया जाएगा, ऐसा ही कुछ उम्मीद यहाँ पर जियो के द्वारा या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, इसके लिए बहुत सारे स्कीम या फिर पैकेजेस अगले आने वाले समय में लाया जाएगा, वो चीज़ हम लोगों को देखना होगा, लेकिन जो एक टारगेट लिया गया है, ये एक बहुत ही बड़ा टारगेट हम लोग आज के दिन में कह सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही जुड़े हुए तीसरी सर्विस के बारे में। यहाँ पर OTT के द्वारा जितने सारे फाइबर यूज़र हैं, मतलब जियो फाइबर यूज़र हैं, उन सभी को दिया जा रहा है केबल देखने की सहूलियत, और ये भी OTT प्लेटफॉर्म के द्वारा। मतलब आपको नॉर्मल केबल लाइन से अच्छे क्वालिटी का पिक्चर मिलेगा, वीडियो, ऑडियो सब कुछ मिलेगा, और वो भी प्रीमियम क्वालिटी का। लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा खर्चना पड़ेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। और उम्मीद यही किया जा रहा है कि अगले आने वाले समय में हैथवे और डेन नेटवर्क के द्वारा भी OTT सर्विस को प्रोवाइड किया जाएगा, ये भी अगले आने वाले समय में जियो के द्वारा प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ देरी इस बात की है कि कब तक हर एक हाउस होल्ड में OTT सर्विस प्रोवाइड किया जाए। जिस दिन से हर एक हाउस होल्ड में OTT सर्विस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसी दिन से OTT सर्विस के लिए भी अलग से चार्जेस लगाना चालू कर देगा जियो, ऐसा ही कुछ उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि फ्री में ज़्यादा दिन तक ये कंपनी अपना सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा। तो दोस्तों, OTT प्लेटफॉर्म से भी जियो को मिलेगा रेवेन्यू। अब दोस्तों, इसके अलावा जियो के पास डिजिटल सेक्टर में और एक प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग नेटवर्क 18 के नाम से जानते हैं। दोस्तों, नेटवर्क 18 के अंदर बहुत सारे टेलीविजन चैनल आज के दिन में है, इसके द्वारा भी जियो अपना कस्टमर बेस बढ़ा रहा है।
दोस्तों ये तो गया अभी तक क्या क्या चीज़ जियो ने अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म में दिए हैं, लेकिन इसके अलावा भी जियो के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में कुछ प्रोडक्ट आ गया है और कुछ प्रोडक्ट पाइपलाइन में है जो कि अगले आने वाले समय में आपको और हमको मिल जाएगा। दोस्तों आज के दिन में जितने सारे प्रोडक्ट आपको और हमको मिल रहा है उनमें से कुछ एक है क्लाउड सर्विस, सिक्योरिटी सर्विस, यहाँ तक कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप ऑलरेडी जियो के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है और इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है जिसको हम लोग जियो मेट के नाम से जानते हैं। और दोस्तों ये जियो मेट डायरेक्ट कंपटीशन देगा जूम एप्लीकेशन को, जो कि आज के दिन में जूम एप्लीकेशन के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगा हुआ है और इसी को देखते हुए अगर जियो मीट प्रॉपर तरीके से अपना सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं या फिर सर्विस दे पाते हैं तो जूम को बहुत ही जल्द रिप्लेस कर भी देगा, ऐसा ही कुछ उम्मीद यहां पर किया जा रहा है। दोस्तों ये तो गया डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए जो कि अगले आने वाले समय में एक क्रीम प्रोडक्ट बन के उभरेगा। लेकिन दोस्तों बात करते हैं और एक क्रीम प्रोडक्ट जिसको हम लोग रिटेल के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों पिछले कुछ सालों से एक ट्रेंड बहुत ही जोर शोर से चल रहा है इंडिया में, जितने सारे शॉपिंग पोर्टल हैं जैसे कि Amazon, Flipkart, Snapdeal जैसे कंपनी, इन सारे कंपनियों में बहुत ही ज़्यादा खरीदारी हो रहा है और इन सारी कंपनी में बहुत ही ज़्यादा कस्टमर बेस भी आ रहा है। तो इसी को देखते हुए रिलायंस के तरफ से दो तरीके की काम किया जाएगा, पहला ऑनलाइन पोर्टल रिलायंस के द्वारा भी खोला जाएगा और ऑफलाइन में भी रिटेल कस्टमर को कैटर किया जाएगा। दोस्तों रिलायंस ऑलरेडी इसके ऊपर काम करना भी चालू कर दिए हैं। आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी जियो मार्ट के नाम से एक ग्रोसरी ऑनलाइन शॉपिंग स्टेशन खोला जा चुका है जिसके थ्रू पहले 3 शहरों में ही इसका सर्विस प्रोवाइड किया गया था, अब इंडिया के 200 शहरों में ये सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि ऑनलाइन में आपको ग्रोसरी सामान मिल जाएगा। और अगले आने वाले समय में या फिर बहुत ही जल्द इंडिया में बाकी जितने सारे टाउन है वहाँ पर भी जियो मार्ट आपको मिल जाएगा जिसके थ्रू आप लोग घर में बैठकर ही ग्रोसरी के सामान मंगवा सकते हो। ये तो गया ग्रोसरी से रिलेटेड, लेकिन दोस्तों और भी बहुत सारे जगह हैं जहां पर जियो अगले आने वाले समय में आना चाहता है और मार्केट में कंपटीशन देना चाहता है। यहां पर सबसे बड़ा कंपटीशन होगा फ्लिपकार्ट और अमेजोन के साथ, जियो के द्वारा इसके लिए भी तैयारी किया जा रहा है। जियो ये काम करने के लिए पहले अपना सप्लाई चेन को तंदुरुस्त करना चाहता है और इसीलिए बहुत सारे छोटे या फिर मझोले साइज के कंपनी है उसको एक्वायर भी कर रहा है। आप लोगों को पता है कि आलोक इंडस्ट्री इनमें से एक कंपनी जो कि गारमेंट्स के दुनिया में बहुत ही ज़्यादा जाना माना नाम है, इसको ऑलमोस्ट रिलायंस के द्वारा खरीदा जा ही चुका है और ये आलोक इंडस्ट्री कुछ दिनों पहले तक बहुत ही खराब सिचुएशन में था और जिस दिन से कोरोना वायरस के पैंडेमिक इंडिया में चालू हुआ है उस दिन के बाद से आलोक इंडस्ट्रीज के द्वारा PPE किट बहुत ही जोर शोर से और बहुत ही ज़्यादा बनाया जा रहा है और इन्हीं तरीके की कुछ एक कंपनी के द्वारा PPE किट बनने के बाद आज के दिन में इंडिया वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी PPE किट सप्लायर देश बन चुका है। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि आलोक इंडस्ट्रीज का क्या महत्व है रिलायंस के पास। ऑलरेडी रिलायंस के पास पहले से ही एक गारमेंट्स ब्रांड है जिसका नाम बिमल आप सभी को पता है। तो दोस्तों ये सारे कंपनी इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे या फिर मझोले साइज की कंपनी के द्वारा गारमेंट इंडस्ट्रीज में भी जियो अपना पेनिट्रेशन करना चाहते हैं और यहाँ पर दोनों तरीके के ही जगह पर रिलायंस अपना फुटप्रिंट छोड़ना चाहते हैं, पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में और दूसरा ऑफलाइन में। अब दोस्तों बात करते हैं जियो के ऑफलाइन वाले प्लेटफॉर्म की। ऑलरेडी जियो ऑफलाइन में भी काम कर रहा है जैसे कि रिलायंस फ्रेश, रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस डिजिटल जैसे बहुत सारे कंपनी ऑलरेडी रिलायंस के पास हैं और अगले आने वाले समय में जबकि रिलायंस के द्वारा फ्यूचर ग्रुप के कंपनी को एक्वायर कर लिया जाएगा तो इन सारी कंपनी को शायद मर्जर कर दे या फिर अलग अलग तरीके से पूरी इंडिया में अपना सर्विस प्रोवाइड करेगा और उम्मीद यही किया जा रहा है कि इंडिया में सबसे बड़ा रिटेल चेन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास होगा। अब देखना सिर्फ इतना होगा कि क्या वो जियो ब्रांड के तहत आता है या फिर रिलायंस मदर ब्रांड के तहत ही वो अपना मार्केट में ये चीज़ लाते हैं, देखना तो सिर्फ इतना ही होगा। लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि अगले आने वाले समय में रिलायंस
और भी बहुत बड़ा कंपनी बन जाएगा और रिटेल सेक्टर में भी अपना फुटप्रिंट बहुत ही जोर से या फिर बहुत ही ज़्यादा जोर से दिखाएगा। आज के दिन में इंडिया में कुछ एक आध ही ऐसे ब्रांड हैं जो कि मिडिल क्लास लोगों को कैटर करते हैं, जिनमें से कुछ एक आध ब्रांड आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी का है और एक दो ब्रांड बाकी दूसरे कंपनी का है। लेकिन अगर रिलायंस आते हैं तो रिलायंस का जो स्ट्रैटेजी होते हैं हर एक बिजनेस में वो बहुत ही एग्रेसिव होता है और इसी के चलते वो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर या फिर कस्टमर गेन कर ही लेते हैं। ऐसा पिछले जितने सारे बिजनेस रिलायंस के द्वारा किया गया है उन सभी में देखा गया है। तो इसी से हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि अगले आने वाले समय में रिलायंस का जितना सारा बिजनेस आएगा उनमें भी रिलायंस के द्वारा बहुत ही जोर से एग्रेसिव पुशअप किया जाएगा। ऐसा ही कुछ उम्मीद मार्केट के जानकारों का द्वारा किया जा रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं इन्वेस्टरों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 3-4 महीने पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 800 रुपये में चल रहा था और वही शेयर आज के दिन में डबल या फिर 1000 रुपीज़ ज़्यादा बढ़ गए हैं और लास्ट जो ट्रेड हुआ है वो 1770 रुपये के करीब हुआ है, ऑलमोस्ट 1800 रुपये। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि कितने जल्दी कितना ज़्यादा रिटर्न ऑलरेडी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा दिया गया है और उम्मीद यही किया जा रहा है कि आगे चल के भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा और भी ज़्यादा रिटर्न दिया जाएगा इन्वेस्टरों को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टॉक हमेशा से ही बढ़ता ही रहेगा, बढ़ते बढ़ते ही जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हाँ, 1800 रुपये में शायद ये स्टॉक थोड़ा सा क्यूमुलेट करे या फिर कुछ नीचे आए फिर जाकर आगे बढ़ेगा, ऐसा ही कुछ हर एक स्टॉक के साथ होता है। तो जियो या फिर रिलायंस के साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है या फिर हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा ही होगा और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग रिलायंस के स्टॉक आओ देखो ना ताओ आप लोग खरीद लो। हम ये नहीं कह रहे हैं, मैं किसी भी स्टॉक खरीदने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगले आने वाले समय में ये चीज़ हो सकता है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक आज के दिन में भी बहुत ही अच्छा है और अगले आने वाले समय में भी बहुत ही अच्छा होने वाला है, ऐसा ही कुछ उम्मीद मैं कर सकता हूँ। तो दोस्तों यही कुछ बातें था जो कि मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ मुझे लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। बाकी आप लोगों को इसके बारे में अलग सा ओपिनियन हो सकता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।